Class, we are continuing the lesson in civics. Lesson 1, power sharing. Why power sharing is desirable? Here you can see the question, which is very important for the boards. There are two set of reasons given in favor of power sharing. First, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. I suppose we had already taken this topic yesterday, but I am repeating it. And conflict between social groups leads to violence. Violence matlab dange. And political instability or rajneetik asthirta ho jati hai. Power sharing is a good way to ensure stability of political power. Jab power sharing hoti hai, तो पॉलिटिकल ऑर्डर भी स्टेबल रहता है. इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी, मतलब अगर जो ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा में कम्युनिटी है, अगर वो अपनी विल, अपनी इच्छा दूसरों के ऊपर थोपेगी, तो वो शॉर्ट रन में तो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, बट लॉन्ग रन में इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन. टिरनी, अत्याचार ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव बट ऑल्सो brings ruin to the majority as well. मतलब वो majority के भी ruin मतलब नाश का कारण हो सकती है. There is second reason, deeper reason why power sharing is good for democracies. तो second reason is power sharing is the very spirit of democracy. Power sharing जो है आत्मा है democracy की, very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing of power with those affected by its exercise and those who have to live with its effects. People have the right to be consulted. लोगों का ये अधिकार है कि उनसे consult किया जाए कि उनको कैसी government चाहिए है. A legitimate government is one where citizens through participation acquire stake in the system. तो हम लोग पहले set of reasons को prudential कह सकते हैं और second को मॉरल. तो पहला सेट ऑफ रीज़न जो है प्रूडेंशियल, इट स्ट्रेसेस दैट पावर शेयरिंग ब्रिंग्स बेटर आउटकम्स, मतलब नतीजे अच्छे होते हैं. एंड मॉरल रीजंस एम्फसाइज दैट पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल. नेक्स्ट टॉपिक, सी चिल्ड्रन, देयर इज अ प्लस साइन हियर एंड यू हैव टू रीड इट. फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो वी हैव रिवाइज्ड अ लिटिल बिट ऑफ द पास्ट लेसन. फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तरह तरह की पावर शेयरिंग होती है अगर देखा जाए तो. ध्यान से अगर देखें, स्टडी करें, तो पावर शेयरिंग इज ऑफ मेनी काइंड्स. एंड हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ. आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर. फॉर अ लॉन्ग टाइम इट इज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन. तो काफ़ी समय तक ये समझा जाता था कि जो पावर है वो एक हाथ में होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल, जो पहले राजा लोग होते थे वो अकेले ही राज करते थे, जो उनकी इच्छा होती थी वही वो मंत्रियों को बताते थे, मंत्री वैसा ही काम करते थे. पर अब क्या होता है, वी हैव डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं लोकतंत्र. वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर अ सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. लोगों के हाथ में सारा पावर होता है. कैसे, वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव खुद करते हैं. इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी. एवरी वन हैज़ अ वॉइस इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसी. सभी की, हर व्यक्ति का आवाज़ होती है डेमोक्रेसी में. देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेनी सिटीजन्स, एज मेनी सिटीजन्स एज पॉसिबल. तो सबसे पहला अगर हम फॉर्म देखें ऑफ पावर शेयरिंग इज अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज
different powers. Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. तो हम कह सकते हैं ना legislature, executive और ना ही judiciary unlimited power exercise करते हैं. Each organ checks the other. हर organ दूसरे को check करता है कि कहीं वो अत्याचारी शासन तो नहीं हो रहा है. Last year we studied that in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament and or the state assembly. Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of the executive or laws made by the legislature. This arrangement is called a system of checks and balances. So, thank you for today.